हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट दी एज क्राइटेरिया, और ये मैं डिस्कस करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, प्री नर्सरी, नर्सरी एंड प्रेप। किसी किसी स्कूल्स में ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, एंड किसी किसी स्कूल्स में प्ले, नर्सरी, LKG एंड UKG ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में आपके साथ एज क्राइटेरिया शेयर करूंगी। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जिसमें कि 5+3+3+4 का जो एक क्राइटेरिया दिया गया है। बिकॉज पहले जो क्राइटेरिया था या कॉन्सेप्ट था वो 10+2 का कॉन्सेप्ट था, तो अब जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें से जो ये सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट है या पहला वाला स्टेज है 5 का, इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एज क्राइटेरिया। ओके गाइस, तो ये जो 5 का स्टेज दिया गया है ना, दिस इज दी फर्स्ट स्टेज, इसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। और फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो एज दिया गया है दैट इज 3 to 8, 3 से 8 ईयर्स का इसमें एज मेंशन है। देन गाइस आता है 3, जिसको हम सेकेंड स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज को नेम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज। देन थर्ड है स्टेज 3 का अगेन, इसको हमने नेम दिया है मिडिल स्टेज। एंड लास्ट वन इज 4th, इसको नेम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। तो गाइज, इस वीडियो के लिए जो कि एज क्राइटेरिया के ऊपर है, प्री नर्सरी, नर्सरी, प्रैप एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए वी रिक्वायर टू नो अबाउट दिस स्टेज ओनली, फाउंडेशनल स्टेज। तो आई डिस्कस अबाउट दिस स्टेज टुडे। फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो एज मेंशन है 3 से 8 साल तक मेंशन किया गया है। इसमें फाउंडेशनल स्टेज में प्री स्कूल एजुकेशन प्लस प्री स्कूल या फिर हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी एजुकेशन प्लस फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो गाइज, इसमें 3 इयर्स की आपकी प्री स्कूल होगी और फर्स्ट एंड सेकंड इंक्लूड रहेगा, तो इसलिए इसको जो कॉन्सेप्ट है 5 का वो क्लियर होता है, लाइक 3 ईयर फॉर प्री एजुकेशन एंड 2 इयर्स फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2। तो गाइज, जो 3 से 8 साल तक का एज इसमें मेंशन है वो क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि जो प्री स्कूल की एजुकेशन है तो ये 3 साल प्लस में स्टार्ट होगा, एंड 6 से फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और 7 साल में सेकेंड क्लास स्टार्ट होगी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्राइटेरिया ऑल्सो। इसमें आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, एक प्री नर्सरी, नर्सरी एंड प्रैप का, एक प्ले नर्सरी LKG एंड UKG का कॉन्सेप्ट, बिकॉज दोनों ही कॉन्सेप्ट स्कूल्स में फॉलो होते हैं। तो फॉर दिस कॉन्सेप्ट प्री नर्सरी अगर बच्चा जा रहा है तो उसके लिए 3+ एज कम्प्लीट होना चाहिए, मतलब कि अगर बच्चे को कम्प्लीट 3 है तो प्री नर्सरी में आप बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। देन अगर आप नर्सरी में करा रहे हैं तो बच्चे की एज 4+ होनी चाहिए। अगर आप प्रैप में करा रहे हैं तो बच्चे की एज 5+ होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। प्ले ग्रुप के लिए बच्चे की एज 2+ में आप डाल सकते हैं, बट टू अवॉइड दिस एज, बिकॉज 2+ में बच्चों को स्कूल भेजना इज नॉट वर्दी, तो आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस नर्सरी। 3+ में ही आप बच्चों को स्कूल डालें और नर्सरी क्लास में आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। देन LKG के लिए 4+ एज रिक्वायर्ड है एंड UKG के लिए 5+ एज रिक्वायर्ड है। तो गाइज, इस हिसाब से जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा तो उसकी एज 6+ रहेगी, और यही न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में मेंशन है। लाइक अबाउट दिस, जो फाउंडेशनल स्टेज के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया कि 3 से 8 साल तक की जो इसका एज मेंशन किया गया है तो वो इस एज क्राइटेरिया को जस्टिफाई करता है। सो गाइज, अभी आने वाले टाइम में सभी स्कूल्स इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों के एडमिशन्स देंगे, एंड दिस इज ऑल्सो मच नीडेड फॉर पेरेंट्स टू टेक एडमिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एज क्राइटेरिया। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।